हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं हूँ घर में। घर मेरा कहाँ है आपको भी पता है, चांद में। तो आज अष्टमी की पूजा कल हो गई है, तो आज है जवारे विसर्जन। तो हम लोग सब तैयार हो गए हैं, तैयार होके हमारा जो गांव है वहाँ जाने वाले हैं। तो आपको आज में जो हमारा गाँव है वो गाँव दिखाएंगे, और अभी सब लोग तैयार हो गए हैं और चलते हैं हम नीचे। नीचे चल के देखते हैं सब लोग तैयार हुए हैं कि नहीं, और देखते हैं पूनम तैयार हुई है कि नहीं, और फिर चलते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि मम्मी भी तैयार हो गई हैं, तो मम्मी को जाके अब देखते हैं कि कितना टाइम और लगेगा, फिर चलते हैं हम हमारे पैतृक गांव। यहाँ पर गांव जाने से पहले मम्मी दो चार पान बना रही हैं, क्योंकि मम्मी भी एक दिन में तीन चार पान तो खाती ही हैं, मतलब खाना खाने के बाद, या मतलब पान खाने की आदत है एक्चुअली यहाँ पर, मतलब सभी को। तो खाना खाने के बाद यह पान खाने के लिए मम्मी बना रही हैं, और हम लोग तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं गाँव, क्योंकि आज है विसर्जन, ज्वारे विसर्जन। ये ऐसे जवारे विसर्जन होते हैं जो आप 9 दिन रखते हैं जवारे। ये मतलब नौमी अपन नवरात्रि स्टार्ट होती है, तो उसके बाद उस बीच में आप कभी भी जवारे बो सकते हैं, और उसके बाद तक आप जवारे रख के और फिर उसका विसर्जन होता है। तो इस तरीके से ढोल बाजे के साथ में ले जाते हैं जवारे को। मिशी, अच्छा पापा के साथ पिंक है आज। यहाँ पर हमारी जो मतलब कुल देवी की पूजा पहले हो चुकी है, अब ग्राम देवता की पूजा हो रही है, जो कि मतलब नौमी अष्टमी के दिन किया जाता है। और जो हमारे ग्राम देवी हैं वहाँ, यहाँ पर जितने भी आपको मंदिर दिख रहे हैं यहाँ पर उनकी पूजा किया जाता है। और मतलब ये हर चैत के नवरात्रि में ये पूजा होती है, कि आटे का प्रसाद बनाया जाता है, नारियल, धूप बत्ती, आप ये सब दे के मतलब यहाँ पर पूजा करते हैं। और तो पहले हमने कुलदेवी की पूजा की, जवारे विसर्जन हो गए, उसके बाद में हम लोग इस मंदिर में आए हैं। यहाँ पर ये जो हमारे ग्राम देवी हैं, और यहाँ पर पूजा की जाती है, और ये चैत के नवरात्रि में होते हैं। और उसके बाद में आ गए हम शंकर जी के मंदिर में, और मिसी है मेरी गोदी में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलो एक्टिंग कर रही तू जरा। हमारे पास है छोटी वाली। चलो इधर दादू तरफ देखो। जय जय, हाँ जय, लगा दे बेटी बेटी, बस पेपर लो डब्बे वाला। हाँ डिब्बे वाला प्रसाद चढ़ा। जय माता मम्मी। जय माता दी। खाते खाते नहीं जाते, घर में खाएंगे, रख लो अपने पास रख लो वो।
जवारी विसर्जन के बाद में यहाँ पर होता है खाना पीना। खाना पीना मतलब जो प्रसाद कहना चाहिए, जो कि भंडारा होता है। तो यहाँ पर मतलब आप जितने भी लोगों को निमंत्रण देते हैं वो सारे हैं, और ये हमारे सारे कुटुंब के ही लोग हैं। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, ये हमारा सबसे पुराना घर है जहाँ से सभी दादियाँ लोग अलग हुई हैं। जो दादी लोग, हमारी दादी सास छः देवरानी जेठानी हैं, तो वो सब लोग इसी घर से गए हैं। और यहाँ पर सब महिलाएँ जो बातें कर रही, उन लोगों को किसी को नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पान बना के खा रहे हैं सब लोग। ये हमारे एरिया का कल्चर है। मतलब आप अगर यहाँ आते हैं घर पे, चाय पीने के बाद में आपको पान, या खाना खाने के बाद में आपको पान ऐसा मिलेगा। ऐसे झपली होती है और उसमें पान रखे होते हैं। ये सारी महिलाएं पान बना रही थी। और ये है हमारा मतलब जो गांव का जो हमारा पैतृक घर है, तो वो अभी पक्का सामने बन रहा है। तो पीछे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, एक फार्म हाउस बना है जो कि खेत के बीच में है। और ये है गाय, गाय नहीं है, भैंस है। गांव में आने के बाद में जो मज़ा आता है वो बहुत ज़्यादा, और शिवन्या को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो शिवन्या का तो कन्या भोजन चल रहा है, तो वो इधर उधर कहीं है और हम लोग आ गए हैं घर। तो ये देखिए आपको चारों तरफ जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर भाजी लगी है, चने की भाजी बोई गई है, और मतलब ऐसे कुछ कुछ लगा हुआ है। तो हम लोग वहीं खेत में आ गए हैं, खेत के बीच में ये घर है। और खेत मतलब आपको बहुत दूर दूर तक दिख रहे हैं, ये सारे हमारे ही हैं खेत, और भी हैं। तो मैं आपको कभी खेत भी घुमाने ले जाऊंगी। तो ये आज हम लोग पूजा करने के बाद में आ गए हैं यहाँ पर। अभी चाची जी रहते हैं, ये मतलब टेम्परेरी घर बनाया गया है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है। और पक्का घर अभी जब तक तैयार होगा तब तक के लिए यहाँ पर ये ऐसे बनाया जाता है और उसमें रहते हैं। कोई टूरी तो आई, कोई बड़ी टूरी आई, मतलब शिवन्या को लाई, बोले आई आई प्रीति। अरे अपन ठीक हो, देखिए बकरी बकरी और वो ऐसी बैल बूढ़ा सब कहाँ थी आप? फ्रूट कैंडी के पास दिखाओ जा। हाँ जेली खाई, फिर ये तो ये खाई। अच्छा अभी दे दिया था मैंने, है ना? वो खाना खाते खाते बक्की आई फट से, क्या हुआ? मैं तो कब से कह रहा हूँ एक घंटा जान लाना चने की भाजी को खुटकना और मक्का गेहूँ सब क्या क्या कैसे होता है इल्ली होती है इल्ली। अभी तो अच्छी लगी है इसमें यार भाई चला चलते खेत खेत चलेगी भारी हो गई तू गिर सकती है मम्मा गिर जाएगी बाहर से मम्मा कहाँ है मम्मा मिशी की मम्मा कहाँ है हाँ खा ले तू मेरे को खा ले
खा ले, खा ले मेरे को, खा ले। हाँ चल, बतरी ढूंढने क्या, बतरी 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 कहाँ है, बतरी 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 बतरी। देख क्या रहा बेटा, ये हमारी बहूजी हैं, बहूजी बैठी हैं। ये हमारा अभी नया घर बन रहा है, मतलब पहले ये पूरा कच्चा था, कच्चा था तो बहुत अच्छा लगता था मुझे तो, लेकिन वो समय के साथ परिवर्तन होता है तो लोग अपने रहन सहन को भी परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब एक तरफ चाची जी का है, एक तरफ हमारा, मतलब टू पार्ट में है। तो ये मतलब क्या कहना चाहिए, घर पक्का बन रहा है। वहाँ पर बहूजी हमारी बैठी हैं और जवारे निकल रहे हैं, तो हम लोग जा रहे थे तो ये दूसरे जवारे निकल रहे हैं जो आज विसर्जन है, क्योंकि जवारे के विसर्जन हो जाते हैं, ये 4-5 दिन तक चलते रहते हैं। तो मतलब जो जैसा जवारे बोते हैं उस हिसाब से ये चलता है। तो ये हमारा गाँव है जो काफ़ी सुंदर है, गाँव में जो सुकून है वो कहीं नहीं है।